नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू योर यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है लेक्चर 29th एंड आज के लेक्चर का एजेंडा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आइए देखते हैं ये। तो जो अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो बचे कुछ टॉपिक हैं उन्हें भी कवर कर लेते हैं, राइट। सो जीआर इन जीआर ब्लॉक स्टॉक, देखो प्रैक्टिकली पहले एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि आपने परचेज ऑर्डर क्रिएट किया, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपकी अपनी कंपनी में किसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है एंड देन आपने परचेज ऑर्डर क्रिएट किया। आप परचेज ऑर्डर क्रिएट करोगे, वेंडर को सेंड करोगे, देन वेंडर गुड्स के साथ जो है आपके डिलीवरी एड्रेस पे आएगा, राइट। एंड आपकी जो वेयर हाउस की जो टीम होगी वो गुड्स रिसीव करेगी। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सप्लायर ने जो है मटेरियल सेंड किया एंड 2 से 3 ट्रक्स में लोड करके मटेरियल सेंड किया आपके आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आपकी कंपनी में कह लो या ऑर्गेनाइजेशन में कह लो या प्रोडक्शन यूनिट में कह लो। तो आपके पास मटेरियल आया तो जो ट्रक ड्राइवर हैं वो आपसे कहते हैं कि सर मैं जो डॉक्यूमेंट्स है वो लाना भूल गया हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं ला पाया हूँ, तो सॉरी आई एम सॉरी फॉर दैट, सॉरी 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 एंड प्लीज सर ये जो मटेरियल है मैं वापस लेके नहीं जा सकता, आप अपनी कंपनी के प्रेमिसेस में रख लो, राइट। तो आप क्या करोगे अगर वो इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आप उनकी जो है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हो एंड आप क्या करते हो उनके गुड्स को जो है अपने कंपनी प्रीमिसेस में रख लेते हो, लेकिन आप अपनी स्टोरेज लोकेशन में उसको नहीं रखोगे, आप अपने कंपनी के किसी भी एरिया में उसको रख दोगे एंड जो आप एंट्री करोगे उस गुड्स रिसिप्ट की वो करोगे जीआर ब्लॉक स्टॉक में। कहां करोगे? जीआर ब्लॉक स्टॉक में, समझ गए, राइट। तो देखो केस क्या होता है, Sometimes the supplier will not submit the documents related to GR or delivery. तो sometimes जो supplier होते हैं वो document submit नहीं करते हैं goods received के या delivery के, the company will allow the stock to be in its premises. ठीक है, अपने company जो है अपने premises में उसको रखने का, उस material को रखने का allow तो कर देते हैं, लेकिन उसको स्टोरेज लोकेशन में मेंटेन नहीं करते हैं, अपने प्लांट की स्टोरेज लोकेशन में नहीं मेंटेन करते हैं, राइट। तो हम देखो गुड्स रिसिप्ट तो अभी भी करेंगे, लेकिन हम गुड्स रिसिप्ट करेंगे इन द जीआर ब्लॉक स्टॉक। कहां करेंगे? ब्लॉक स्टॉक के अंदर हम गुड्स रिसिप्ट करेंगे एंड इसका मूवमेंट टाइप होता है 103। जो हम नॉर्मल गुड्स रिसिप्ट करते हैं उसका मूवमेंट टाइप होता है 101, लेकिन जब हम जीआर ब्लॉक स्टॉक के अंदर गुड्स रिसिप्ट करेंगे तो उसका मूवमेंट टाइप होगा 103, राइट। एंड वो हमको मैन्युअली देना होगा, राइट। देखो प्रैक्टिकली देख लेते हैं सर्वर पर। हम पहले क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर क्रिएट कर लेते हैं, राइट। तो हम एक परचेज ऑर्डर क्रिएट कर लेते हैं फॉर मटेरियल 05, इन द हेडर गिव ऑर्ग डाटा, प्लांट चेक क्वांटिटी हम दे देते हैं 100, राइट। नाउ चेक एंड सेव। तो ये हमारा परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया।
राइट, हम इसको नोट पैड पे सेव कर लेते हैं। अब हम कर लेते हैं गुड्स रिसीव्ड इन द जी आर ब्लॉक स्टॉक, राइट। गो इन द माई गो डू अ गुड्स रिसीव्ड अगेंस्ट परचेज ऑर्डर, आपको परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट गुड्स रिसीव करना है, राइट। मेक श्योर करना है कि यहां पर मूवमेंट टाइप 103 होना चाहिए, ठीक है। मूवमेंट टाइप को आपको हमेशा जो है एंटर करने से पहले गुड्स रिसीव करो या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग करो, तो मूवमेंट टाइप आपको हमेशा अवेयर रहना है कि मूवमेंट टाइप आपने सही दिया है या नहीं दिया है, राइट। तो मूवमेंट टाइप होगा 103, एंटर। Not right. So item okay. आप यहां से जो है स्टॉक ओवरव्यू भी देख सकते हो अपना, इन द वेयर टैब। तो अभी हमने 100 क्वांटिटी जो है ऑर्डर करी है, तो वो अभी ऑन ऑर्डर में है। जब मैं गुड्स रिसीव्ड कर दूंगा इन द जीआर ब्लॉक स्टॉक, तो ये स्टॉक मेरा चला जाएगा इन द जीआर ब्लॉक स्टॉक। कहाँ जाएगा? इन द जीआर ब्लॉक स्टॉक। समझ गया, ये 100 क्वांटिटी आपका यहां आ जाएगा। चलो देखते हैं। चेक पोस्ट नाउ डिस्प्ले एंटर, ये देखो इन द स्टॉक ओवरव्यू। कहाँ चला गया? जी आर ब्लॉक स्टॉक में, क्योंकि हमने गुड्स रिसीव्ड किया है जी आर ब्लॉक स्टॉक में, राइट। तो 100 क्वांटिटी हमारी चलेगी जी आर ब्लॉक स्टॉक के अंदर। अब जब भी नेक्स्ट टाइम सप्लायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आएगा, तो हम इस जी आर ब्लॉक स्टॉक को ट्रांसफर कर देंगे अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में, हमारी कंपनी की स्टोरेज लोकेशन में, राइट। तो अब ऑब्जर्व करना है आपको, अभी हमने गुड्स रिसीव्ड किया है इन द जीआर ब्लॉक स्टॉक, तो क्या क्या अपडेशंस हुई हैं। जैसे हम गुड्स रिसीव्ड करते हैं तो 6 अपडेशंस होती थी। एक तो डॉक्यूमेंट मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट होता था, राइट, एंड फाइनेंस डॉक्यूमेंट क्रिएट होता था। परचेज ऑर्डर के अंदर स्टेटस टैब जो है अपडेट हो जाता था, परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब अपडेट हो जाता था। तो ये सारे जो है अपडेशन यहां हुए हैं नहीं हुए ये देख लेते हैं, राइट। तो वन बाय वन देखते हैं। तो मेटेरियल डॉक्यूमेंट तो अपडेट हुआ है, क्योंकि हम एसएपी में कोई सा भी बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर करते हैं तो उसके अंदर मेटेरियल डॉक्यूमेंट अपडेट होता है। जैसे ये है आपका मेटेरियल डॉक्यूमेंट, राइट। तो ये अपडेशन तो हुआ है, बाकी देखते हैं कि फाइनेंस डॉक्यूमेंट अपडेट हुआ है। No subsequent document found in accounting, finance document नहीं अपडेट हुआ। Then देख लेते हैं कि where टैब के अंदर purchase order अपडेट हुआ है नहीं हुआ है। In the status टैब नहीं अपडेट हुआ। Ordered 100, still to delivered 100, तो ये भी अपडेट नहीं हुआ। अगर ये अपडेट हो जाता तो डिलीवर्ड जो है 100 हो जाता एंड स्टिल टू डिलीवर्ड 0 हो जाता, लेकिन ये भी अपडेट नहीं हुआ। नाउ सी इन द
देन आपको देखना है कि परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब अपडेट हुआ है नहीं हुआ इन द आइटम डिटेल्स, परचेज ऑर्डर हिस्ट्री। तो ये तो आपका अपडेट हुआ है, मतलब परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब क्रिएट हो गया है, राइट। सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हुआ है एंड परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब क्रिएट हुआ है, बाकी कोई सा भी अपडेशन नहीं हुआ है, ना मेटल मास्टर रिकॉर्ड के अंदर टोटल स्टॉक और टोटल वैल्यू जो है अपडेट हुआ होगा, देख लो भाई सर। इन द अकाउंटिंग व्यू, अकाउंटिंग वन व्यू, ये टोटल स्टॉक 130 पहले भी था, अभी भी 130 है, मूविंग प्राइस 10 पहले भी था, अभी भी 10 है। देखो जब ये अपडेट हो जाएगा तो ये 230 हो जाएगा, राइट। अभी ये 130 ही है, राइट। एंड आपका राइट एंड आपका ये डिलीवरी कंप्लीट इंडिकेटर्स भी आपके सेलेक्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी तक डिलीवरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो इनमें से कोई सा भी अपडेशंस नहीं कंप्लीट हुआ है, आप नोट्स के अंदर भी देख सकते हो, राइट। नोट्स के अंदर एकदम वेल डिफाइंड मैनर में आपको मेंशन है, आफ्टर पोस्टिंग द बिलो विल अपडेट, मैटेरियल डॉक्यूमेंट इज जनरेटेड, फाइनेंस डॉक्यूमेंट इज नॉट जनरेटेड, राइट। सो आप में से कोई इसका आंसर दे पाएगा, मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो, फटाफट वीडियो पॉज करना है एंड कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर देना है, देन दोबारा से आपको जो है लेक्चर देखने के लिए आना है। मेरा क्वेश्चन है कि आपको आंसर करना है कि ये सारे अपडेशंस क्यों नहीं हुए, इसका रीजन क्या है कि ये सारे अपडेशंस लाइक परचेज ऑर्डर के अंदर स्टेटस टैब, फाइनेंस डॉक्यूमेंट, या फिर एमएमआर के अंदर अकाउंटिंग व्यू, या फिर ये डिलीवरी कंप्लीट इंडिकेशन, ये सारे अपडेट क्यों नहीं हुए हैं, इसका कोई रीजन बताएगा, फटाफट आंसर दो कमेंट सेक्शन में, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। मैं नहीं बताऊंगा। उम्मीद है कि आपने आंसर किया होगा कमेंट सेक्शन में। देखो इसका रीजन ये है क्योंकि वो हमने कंपनी के प्रीमिसेस में रखा है उस मटेरियल को, उस मटेरियल के उस स्टॉक को हमने अपने कंपनी के स्टोरेज लोकेशन में नहीं रखा है, इसलिए इनमें से कोई सा भी अपडेशंस नहीं होगा, अभी वो हमको बिलोंग नहीं करता है, राइट। सो ये इसका रीजन है। सी इन द नोट्स, टी कोड माई गो, गुड्स रिसीव्ड, परचेज अगेंस्ट परचेज ऑर्डर, मूवमेंट टाइप इज 103 एंड यू हैव टू गिव इट मैनुअली, चेक ऑल द टैब्स एंड मूवमेंट टाइप 103। ये आपको मूवमेंट टाइप जो है ऑब्जर्व करना है कि 103 आपने दिया है नहीं दिया है, क्योंकि आपका माइगो के अंदर सारा खेल मूवमेंट टाइप का है, तो आपको जो है मूवमेंट टाइप को एकदम ध्यान देना है कि आपने क्या मूवमेंट टाइप दिया है। हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए एक यूनिक मूवमेंट टाइप है, राइट। सो आफ्टर पोस्टिंग द बिलो विल अपडेट, मेटेरियल डॉक्यूमेंट इज जनरेटेड, फाइनेंस डॉक्यूमेंट इज नॉट जनरेटेड बिकॉज वी आर नॉट डूइंग जीआर इन टू ऑर्गेनाइजेशन स्टोरेज लोकेशन, इन परचेज ऑर्डर स्टेटस ऑर्डर स्टेटस टैब ऑर्डर इज अपडेटेड, डिलीवरी डिलीवर्ड नॉट अपडेटेड, परचेज ऑर्डर हिस्ट्री अपडेटेड, राइट। इन द पीओ स्टेटस टैब ऑर्डर इज अपडेटेड बट डिलीवर्ड इज नॉट अपडेटेड एंड परचेज ऑर्डर हिस्ट्री इज अपडेटेड, राइट। मेटल मास्टर रिकॉर्ड के अंदर अकाउंटिंग वन में कुछ भी अपडेट नहीं होगा, स्टॉक इज प्रेजेंट एंड जीआर ब्लॉक स्टॉक इन स्टॉक ओवरव्यू, हमने चेक किया था स्टॉक ओवरव्यू में जो 100 क्वांटिटी थी वो हमको कहाँ दिखा रहा था, ब्लॉक स्टॉक में दिखा रहा था, ये देखो कहाँ शो कर रहा था, इन द जी आर ब्लॉक स्टॉक,
100 quantity in the GR block stock, right? So, अब देखो दूसरा केस क्या आता है. इसके बाद क्या होता है कि जो सप्लायर है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके पास आते हैं, राइट, कि सर ये रहा आपका गुड्स रिसीव का डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स के साथ में आते हैं. तो जब वो डॉक्यूमेंट्स के साथ में आओगे तो आप जीआर जो ब्लॉक स्टॉक आपने अपने कंपनी के प्रीमिसेस में रखा है उसको आप रिलीज कर दोगे, राइट. सो इफ द सप्लायर सबमिट द पेपर्स रेलिवेंट टू जीआर द कंपनी विल रिलीज द स्टॉक फ्रॉम जीआर ब्लॉक स्टॉक. तो कैसे हम रिलीज करेंगे? अब मान लिया कि इन्होंने उनके ड्राइवर के साथ में जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं जीआर के वो प्रॉपर उन्होंने हमको सेंड कर दिए हैं, राइट. तो अब हम जो है इसको रिलीज कर देंगे जीआर ब्लॉक स्टॉक को. कैसे रिलीज करेंगे? सेम इन द माइगो एंड वी विल टेक सेलेक्ट ऑप्शन रिलीज जीआर ब्लॉक स्टॉक. नाउ सी सेलेक्ट ऑप्शन रिलीज जीआर ब्लॉक स्टॉक, राइट, एंटर. देखो अब हमने मूवमेंट टाइप नहीं सेलेक्ट किया है, सारा मूवमेंट टाइप भी आपका जो है ऑटोमेटिकली यहां पे 105 आया है. बस यहां पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है रिलीज जीआर ब्लॉक स्टॉक इन द माइगो, राइट. सो मूवमेंट टाइप इज कमिंग ऑटोमेटिकली 105. यहां से आप चेंज कर सकते हो, लाइक अगर आप चाहते हो कि इसको जो जीआर ब्लॉक स्टॉक का जो मटेरियल है मैं चाहूं तो उसको अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में भी एंटर कर सकता हूं, मैं चाहूं तो उसमें क्वालिटी इंस्पेक्शन में भी एंटर कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इसको ब्लॉक स्टॉक में भी रख सकता हूं, अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में भी रख सकता हूं. तो ये मेरे मेरी चॉइस है, मैं जिस टाइप में इसको, जिस स्टॉक टाइप में इसको रखना चाहूं मैं उस स्टॉक टाइप में इसको रख सकता हूं, इसको मेंटेन कर सकता हूं अपने स्टोरेज लोकेशन में, राइट. सो आइटम ओके, चेक, एंटर स्टोरेज लोकेशन. और मैं स्टोरेज लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकता हूं कि मैं इस जीआर ब्लॉक स्टॉक को किस स्टोरेज लोकेशन में प्लेस करना चाहता हूं, लाइक स्टोरेज लोकेशन 1, स्टोरेज लोकेशन 2. मैं मेरा जिसके अंदर मन चाहेगा मैं उसके अंदर इसको जो है स्टोर कर सकता हूं, राइट. तो इसके अंदर हम सेलेक्ट कर लेंगे स्टोरेज लोकेशन KS01, एंटर, चेक, पोस्ट, राइट. सो ये है आपका डॉक्यूमेंट, मटेरियल डॉक्यूमेंट. इसको हम मेंटेन कर लेते हैं इन द नोटपैड, राइट. ठीक है, अब हम क्या करते हैं चेक कर लेते हैं डिस्प्ले में जाके. डिस्प्ले, एंटर, राइट. तो इसके अंदर हम स्टॉक ओवरव्यू देखेंगे. जो हमारा स्टॉक था इसके अंदर ब्लॉक स्टॉक के अंदर, जीआर ब्लॉक स्टॉक के अंदर जो हमारा स्टॉक था वो हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के अंदर KS01 में आ गया. पहले यहाँ 50 था, अब यहाँ पर 150 हो गया. नाउ सी इन जीआर ब्लॉक स्टॉक आपको जीरो स्टॉक दिखाई देगा. In the GR block stock, nothing, no stock is there. तो हमने क्या कर लिया? रिलीज कर लिया GR block stock से, हमने अपने कंपनी के स्टोरेज लोकेशन KS01 में इसको रिलीज कर लिया, राइट. ठीक है, नाउ एक केस और जो है डेवलप होता है. ये देखो क्या होता है कि जब हमने माइन्यूटली उन डॉक्यूमेंट्स को चेक किया तो हमने पाया कि जो सप्लायर ने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे वो एप्रोप्रिएट नहीं थे. या, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है. ठीक है, ओ चूना लगा दिया, उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स हमको भेज दिए हैं. गजब टोपी बाज आदमी, गजब टोपी बाज आदमी है यार. तो इसका भी अब देखो, हमने तो उसको जो है अपने कंपनी के स्टोरेज लोकेशन में जो है ट्रांसफर कर दिया जीआर ब्लॉक स्टॉक से,
तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, SAP इतना स्मार्ट ERP है, इस चीज का भी उसके पास सॉल्यूशन है। मान लिया कि उन्होंने जो है डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराए, आपने जो है रिलीज कर दिया GR ब्लॉक स्टॉक से मटेरियल को अपनी कंपनी के स्टोरेज लोकेशन में। अब आपको पता लगा डॉक्यूमेंट्स को माइनोरिटली चेक करने के बाद कि डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने सेंड किए थे, जो वो डॉक्यूमेंट देके गए थे हमको, वो डॉक्यूमेंट सही नहीं थे। तो आप क्या करोगे, आपके पास अभी भी ऑप्शन है, आप कैंसिल कर सकते हो रिलीज GR ब्लॉक स्टॉक को, राइट? आफ्टर रिलीजिंग द स्टॉक बी फाउंड दैट द पेपर्स आर नॉट रेलिवेंट, सो बी कैंसल दैट मटेरियल डॉक्यूमेंट। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट? आपको माइगो में जाना है, कैंसिलेशन सेलेक्ट करना है, रिलीज जीआर ब्लॉक स्टॉक मटेरियल डॉक्यूमेंट, राइट? एंड आपको जो है 106 मूवमेंट टाइप देना है, ठीक है? ये ऑटोमेटिक आएगा, देखते हैं। चलते हैं सर्वर पर, यहां से सेलेक्ट करते हैं कैंसिलेशन। देखो मटेरियल डॉक्यूमेंट जो है खुद से आ गया, जो लास्ट हमने जीआर करा है उसका आ गया। आपका डाउट ये भी हो सकता है कि सर अगर हमको जैसे कि कल पता लगा कि हमने जो है डॉक्यूमेंट्स जो थे वो इररिलेवेंट थे, तो हम कल इसका कैंसिल करने जा रहे हैं, और उससे पहले कल से पहले हमने और परचेज ऑर्डर के जीआर कर लिए हैं, तो हमको तो लेटेस्ट दिखाएगा यहाँ पे, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जो आपने नोट पैड पे मेंटेन कर रखा है अपना जीआर, आप वहां से ले सकते हो, एंड यहाँ पर आप अपना एंटर कर सकते हो मेटेरियल डॉक्यूमेंट, राइट? एंटर, देखो ऑटोमेटिकली मूवमेंट टाइप आया होगा 104। राइट, सो 104 चेक एंड पोस्ट हमने आइटम, ओके पोस्ट, ठीक है। सो कोई मेरे को बताएगा ये एरर क्यों आया है? डेफिशिएंट ऑफ पीओ जीआर ब्लॉक स्टॉक 100 KL01। हमला कभी नहीं देता है। तो देखो मैं बताता हूं उसका रीजन क्या है, उसको एरर का आने का। हमको जो है रिलीज जीआर ब्लॉक स्टॉक का जो मटेरियल डॉक्यूमेंट था वो हमको लेना है, राइट? और वो डॉक्यूमेंट है दिस, जो हमने मेंटेन किया था अपने नोटपैड पे, राइट? दिस इज दैट मटेरियल डॉक्यूमेंट। सो कॉपी कर लेते हैं। इसलिए आपको हमेशा बोला जाता है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जब प्रैक्टिस करते हो नोट पैड पर जो है मेंटेन किया करो, लाइक पीओ जीआर डॉक्यूमेंट, कैंसिलेशन का डॉक्यूमेंट, तो वो आपको मेंटेन करने होते हैं। कैंसिलेशन करना है मटेरियल डॉक्यूमेंट, रिलीज जीआर डॉक्यूमेंट नंबर देना है, राइट? दिस इज दैट, राइट? एंटर, देखो अब नहीं आएगा, एरर, मूवमेंट टाइप इज 106, आइटम ओके, मूवमेंट टाइप ऑटोमेटिकली आया है, राइट? समझ गया। चेक पोस्ट, अब इस बार देखो कोई एरर नहीं आया। अब आप देखना जब हम डिस्प्ले में जाकर चेक करेंगे अपना स्टॉक, तो दोबारा से जो 100 हमने क्वांटिटी ऑर्डर की थी, जो 100 क्वांटिटी हमने रिलीज जीआर ब्लॉक, हमने ब्लॉक जीआर ब्लॉक स्टॉक से रिलीज करी थी हमारे कंपनी की स्टोरेज लोकेशन KS01 में, अब वो दोबारा से जो है 100 क्वांटिटी चली गई होगी इन द जीआर ब्लॉक स्टॉक। देखो इन द डिस्प्ले, एंटर, सी स्टॉक ओवरव्यू,
नाउ सी इन द जीआर ब्लॉक स्टॉक 100 क्वांटिटी और KS01 में सिर्फ 50 बचा है, पहले ये 150 था, राइट ठीक है ठीक है। देखो नोट्स के अंदर एकदम वेल डिफाइंड मैनर में आपको रिलीज ईयर ब्लॉक स्टॉक, कैंसल रिलीज ईयर ब्लॉक स्टॉक सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। आफ्टर रिलीजिंग द स्टॉक बी फाउंड दैट द पेपर्स आर नॉट रेलिवेंट सो बी कैंसिल दैट मटेरियल डॉक्यूमेंट, दिस इज द पाथ, दिस इज द मूवमेंट टाइप। आपको मूवमेंट टाइप जो है सारे पता रहने चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगा। अभी तक जितने भी माइको के अंदर हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन किए हैं उन सब के मूवमेंट टाइप में आपसे पूछूंगा। आप एक नोटबुक पे लिख लेना जितने भी मूवमेंट टाइप हैं, लाइक फर्स्ट दो कॉलम बनाना, फर्स्ट कॉलम में ऊपर हेडिंग डालना मूवमेंट टाइप, सेकंड कॉलम में ऊपर हेडिंग डालना बिजनेस ट्रांजेक्शन, लाइक 101 फॉर गुड्स रिसीव्ड, 102 कैंसिलेशन ऑफ द गुड्स रिसीव्ड। ऐसे आपको सारे बिजनेस ट्रांजेक्शंस के मूवमेंट टाइप पता रहने चाहिए जो अभी तक हमने कवर किए हैं, लाइक 122 फॉर रिटर्न डिलीवरी। ओके सो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डेफिनेटली पूछूंगा, आपको जो है ये प्रिपेयर होना चाहिए, राइट। सो चेक ऑल द एंट्रीज एंड पोस्ट, ऑल द एंट्रीज विल बी रिवर्स, रिवर्स मींस जो अपडेशंस हुए थे वो रिवर्स हो जाएंगे, राइट। नाउ सी हमने जो भी ट्रांजैक्शन अभी किए हमने उस परचेज ऑर्डर के लिए जितने भी ट्रांजैक्शन किए वो हम कहां देख सकते हैं, यूजिंग टी कोड ME23N, डिस्प्ले ऑफ द परचेज ऑर्डर, गो टू अदर परचेज ऑर्डर ऑप्शन, गिव हियर द परचेज ऑर्डर नंबर, दिस इज द परचेज ऑर्डर नंबर फॉर माई परचेज ऑर्डर, कॉपी पेस्ट एंटर, राइट। तो मैं जो है आइटम डिटेल्स में परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब में ये सारी डिटेल्स देख सकता हूं, मेरे सारे इसके अंदर मूवमेंट टाइप्स के साथ है मटेरियल डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। सबसे पहले मैंने 103 किया था, नीचे से सबसे पहले ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। सबसे पहले मैंने 103 गुड्स रिसीव्ड किया था, 103 मतलब कि गुड्स रिसीव्ड इन द जीआर ब्लॉक स्टॉक, ये था मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर, ये थी डेट, आज की डेट 14 फरवरी, ठीक है। क्वांटिटी जीरो आई, जीरो क्यों आई, क्योंकि हमने जीआर ब्लॉक स्टॉक के अंदर जो है जीआर किया था, गुड्स रिसीव्ड इन द जीआर ब्लॉक स्टॉक, राइट। सो कॉस्ट भी जीरो, क्वांटिटी भी जीरो, ये सारी वैल्यू जीरो। देन हमने 105 किया था, हमने रिलीज किया था जीआर ब्लॉक स्टॉक को, दिए था डॉक्यूमेंट नंबर, ये थी डेट, ये थी क्वांटिटी 100, राइट। सो दिस इज द अमाउंट, दिस इज द यूनिट, ऑल द डिटेल्स आर हियर। एंड लास्ट में मैंने किया था कैंसिलेशन ऑफ द रिलीज जीआर ब्लॉक स्टॉक, ठीक है। एंड रीजन क्या था कि जो डॉक्यूमेंट्स सप्लायर ने भेजे थे वो रेलिवेंट नहीं थे तो हमको ये कैंसिल करना पड़ा। तो ये उसका मटेरियल डॉक्यूमेंट, ये इसका पोस्टिंग डेट, ये इसकी क्वांटिटी माइनस, ये प्लस ये माइनस क्यों, ये हमारा स्टोरेज लोकेशन के गया, स्टोरेज लोकेशन के अंदर हमने ये प्लेस किया था 100, देन आफ्टर कैंसिलेशन ये हमने 100 निकाल लिया था फ्रॉम द स्टोरेज लोकेशन, राइट। तो आपका स्टूडेंट धर्मा क्या है, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स यूज करने हैं, डू गुड्स रिसीव्ड इन द जीआर ब्लॉक स्टॉक, देन डू द रिलीज ऑफ द जीआर ब्लॉक स्टॉक, देन डू कैंसिलेशन ऑफ द जीआर ब्लॉक स्टॉक, ये तीनों करने हैं। देन ME23 का स्क्रीनशॉट मेरे को भेजना है, एंड एक बार नहीं करना, एटलीस्ट 3 से 4 बार करना है, एटलीस्ट, राइट, एटलीस्ट इस कॉन्सेप्ट को 4 से 5 बार प्रैक्टिस करना है। एंड आपके 4 से 5 स्क्रीनशॉट होने चाहिए जो आप मेरे को सेंड करोगे। एक तो आपको ये स्क्रीनशॉट सेंड करना है,
एंड दूसरा स्क्रीनशॉट आपको मुझे सेंड करना है MB51। राइट, मटेरियल देना है, मटेरियल 05। राइट, एंड आज की डेट देनी है 14। जब भी आप करोगे प्रैक्टिस उस दिन की डेट देनी है, एग्जीक्यूट करना है, ये आपको मेरे को भेजना है। ठीक है, यहां से मेरे को पता लग जाएगा कि आपने तीनों जो हैं प्रैक्टिस किए हैं कॉन्सेप्ट। गुड्स रिसीव्ड इन द जीआर ब्लॉक स्टॉक, रिलीज जीआर ब्लॉक स्टॉक एंड कैंसिलेशन ऑफ द जीआर ब्लॉक स्टॉक। ठीक है, तो ये दोनों स्क्रीनशॉट आपको भेजने हैं। कहां भेजने हैं? टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हो, आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है स्टूडेंट धर्मा के लिए, वहां भी भेज सकते हो। नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे एंड आपको टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएंगे। राइट, दोबारा से लेक्चर को देखना है, नोट्स को रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है कॉन्सेप्ट्स का एंड मेरे को सेंड करना है स्क्रीनशॉट ऑफ MB51 एंड ME23N। ME23N में आपको ओपन करना है, कौन सा टैब ओपन करोगे? जो भी आपको मैंने अभी करके दिखाया था। राइट, इन द आइटम डिटेल। ठीक है, तो ये आपको मेरे को भेजना है व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे, कहीं पे भी भेज सकते हो। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। राइट, जिन लोगों को डेडिकेटेड सर्वर पर प्रैक्टिस करना है वो मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। 24/7 सर्वर वर्किंग होता है, 1 डे का फ्री डेमो होता है, आप चेक करके देख सकते हो सर्वर कैसा है। राइट, ये दो प्लान्स हैं, 400 पर मंथ एंड 1100 फॉर 3 मंथ। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो लेक्चर को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर करो इसको, अपने SAP सर्कल में शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है तो। सो थैंक्स, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।